ये है 5 रुपए में आपको फुल बॉटल पानी मिल जाएगा वो। सो हे गाइस, आपका भाई ब्लॉगर मंडल भाई आ चुका है एक और ब्रांड न्यू ब्लॉग के साथ। और आज मैं आया हुआ हूँ, जैसे कि पीछे देख रहे हो आप, जयपुर जंक्शन में आया हूँ। तो आज मैं आपको जयपुर जंक्शन का पूरा टूर कराने वाला हूँ। वॉशरूम कहाँ पे, कौन से प्लेटफॉर्म कहाँ पे, प्लेटफॉर्म नंबर कहाँ पे, खाने पीने की सुविधा और ट्रेन कहाँ आती है और टिकट काउंटर वगैरह सब कुछ दिखाने वाला हूँ। तो आइए चलते हैं और जयपुर जंक्शन का पूरा टूर करके आते हैं। चलिए गाइस, यहाँ से आप लोग एंट्री करोगे और एंट्री करते ही ये सामने मेन गेट है। मेन गेट पे देख रहे हो आप, ट्रेन के नंबर वगैरह सबको दिया हुआ है, कौन सी ट्रेन कब आने वाली है वो सब दे रखा है। बाकी इधर इतनी बड़ी सारी घड़ी लग रही है और इधर भी पार्किंग वगैरह का इधर तो है नहीं, पार्किंग वगैरह बाहर है। बाकी अपना ये देखो इंडिया का झंडा, ये सबसे मस्त है, बहुत बड़ा झंडा है देखो। तो अभी सबसे पहले चल के हम लोग प्लेटफॉर्म टिकट लेना पड़ेगा, क्योंकि अंदर जाना है तो प्लेटफॉर्म टिकट तो लेना ही पड़ेगा। बाकी आज मेरे साथ है डीके केटीएम ब्लॉग, जो कि हमेशा ही रहता है। कुछ दिनों से जो वीडियोस आ रही है वो उसमें तो देखे होंगे, क्योंकि हम लोग साथ में वीडियो बना रहे हैं। और इसके चैनल को भी सब्सक्राइब करना, भाई को भी सपोर्ट करना यार, भाई भी बहुत मेहनत कर रहा है। स्टेशन के बाहर भी बहुत सारे सुलभ शौचालय है और इधर बाकी बहुत सारे यात्री वेट कर रहे हैं। और इधर देखो बैठने बैठने की सुविधा अंदर भी है, बाकी इधर आपको टिकट काउंटर मिल जाएगा। तो ये गया दीपक भाई प्लेटफॉर्म टिकट लेने के लिए, और मैं थोड़ा ब्लॉगिंग में व्यस्त हूँ तो दीपक भाई गया प्लेटफॉर्म, क्या हुआ नहीं मिला। तो गाइस दीपक भाई इधर से उधर भटके जा रहा है, इसको प्लेटफॉर्म टिकट्स नहीं मिल रही है। मैंने प्लेटफॉर्म टिकट ले लिया है, 2 जनों का है और 2 घंटे के लिए वैलिड है ये ना, तो 2 घंटे के लिए वैलिड है। तो प्लेटफॉर्म टिकट तो ले लिया, बाकी अभी हम लोग चलते हैं प्लेटफॉर्म के अंदर। और यहाँ पे देखो गाइस, ये है 5 रुपए में आपको फुल बॉटल पानी मिल जाएगा, वो स्वच्छ पानी है, बिल्कुल अच्छा पानी है, आरओ का पानी है, देख रहे हो 5 रुपए मिल जाएगा। बाकी आप अंदर से अगर ट्रेन के अंदर से बॉटल लेते हो तो वहाँ पे कम से कम 20 रुपए तो एक, वो कितने लीटर का आता है वो, 1 लीटर का आता है, 20 रुपए लेते हैं उसका, वो 1 लीटर का 20 रुपए लेते हैं वो आ जाता है। देखो इधर से आपको अपने सामान डालने हैं, ताकि चेक करना है बॉम्ब बारूद तो नहीं है कहीं आपके बैग में। हेलो गाइस, हम लोग आ गए प्लेटफॉर्म के अंदर, तो यहाँ पे सारे डिटेल्स है कौन सी गाड़ी कब आने वाली है। और इधर से एग्जिट है, इधर से बाहर निकलने का है। आप अंदर आते हो, अंदर से मतलब ट्रेन से उतरते हो तो आपको इधर से एग्जिट करना है। साफ़ सफाई का कार्यक्रम चल रहा है, स्वच्छ भारत का काम चल रहा है इधर। और बाकी रेलवे पे तो साफ़ सफाई रहना बहुत ज़रूरी है। चलते हैं और भी थोड़ा आपको दिखाएंगे स्टेशन के बारे में, जितना बता सकते हैं हम आपको बताएंगे स्टेशन के बारे में। बाकी यहाँ पे यार काफ़ी टाइम बाद आया हूँ, जब गांव जाता हूँ मैं, बंगाल जाता हूँ जब इसी स्टेशन से जाता हूँ। बाकी बंगाल गए हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया, तो अभी जाने की सोच रहा हूँ, अभी चलेंगे थोड़े दिनों बाद, तो बंगाल के भी ब्लॉग बनाएंगे। प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 ऊपर से जाना है आपको, और इधर से आपको एग्जिट है, इधर से एग्जिट कर सकते हो। बाकी अभी हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, ऊपर चढ़ के दूसरी तरफ जाएंगे ताकि आपको स्टेशन का पूरा नज़ारा दिखा सकूँ। और देखो इधर की ट्रेन है खड़ी है, देख रहे हो गाइस, ये है 5 नंबर प्लेटफॉर्म, 5 नंबर प्लेटफॉर्म है। यहाँ से नीचे उतरते हैं, यहाँ का नीचे का दिखाएंगे आपको, 5 नंबर प्लेटफॉर्म को कवर करते हैं। 5 नंबर प्लेटफॉर्म में ये है 5 नंबर प्लेटफॉर्म, और ये अभी कौन सी गाड़ी खड़ी है, मुंबई टू जयपुर। ओ गाइस, मुंबई जाना है किसी को तो आ जाओ, मुंबई टू जयपुर के लिए गाड़ी खड़ी है, किसी को जाना है तो चढ़ जाओ। बाकी चलेंगे अभी मुंबई थोड़े दिनों में। ये पानी की व्यवस्था है यहाँ पे, ठंडा पानी है, और ये जो नल है ना गाइस, ये थोड़े सही नहीं हो रहे हैं। तो गाइस ये देखो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे ये ऊपर जाने की सुविधा है, एस्केलेटर है। बाकी यहाँ पे इसके देखो क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, वो सब दे रखा है, और नंगे पैर नहीं चढ़ना है। तो गाइस चलते इसके ऊपर, जूते साफ करने, तो गाइस देखो ऐसे जूते साफ कर लेना, जूते साफ हो जाएंगे। गाइस इधर से देखो 2 नंबर 3 नंबर प्लेटफॉर्म है, तो 2 नंबर और 3 नंबर प्लेटफॉर्म में नीचे चल के देखते हैं। और ये देखो ये गुटखा थूक थूक के देखो क्या कर दिया, इधर गलत चीज है यार, ये गुटखा वुटखा खा के इधर थूकते हो, कितना गंदा कर देते हो, ये चीज जो है बहुत गंदी चीज है, गुटखा वुटखा खा के थूक रहे हो। हर कोने पे स्टेशन के हर कोने पे देखो गुटखे का नहीं मिल जाएगा, ये देखो इधर भी गुटखा थूक रखा है, हर जगह गुटखा थूक रखा है, ये देखो इधर गुटखा थूक रखा है थोड़ी। ये गाइस हम लोगों की गलती है, हम लोग भाई अपना क्लीन इंडिया बनाना है, तो उसके लिए यार ये गुटखा वुटखा मत थूको। आपसे विनती है जो लोग गुटखा खाते, पहली बात तो गुटखा खाना अच्छी बात होती नहीं है, मत खाया करो। और दूसरी बात ये है कि गुटखा वुटखा इधर उधर थूकना ये सबसे बड़ी गंदी आदत होती है यार, मत करा करो ये चीज़, बस इतना ही कहना चाहूँगा।
सकते हो जो नीचे गोला गोला देख रहे हो, ये जो नीचे गोले देख रहे हो ये कोरोना टाइम पे बनाया गया था ताकि 2 फीट दूरी गजे दो फीट दूरी मास्क से जरूरी। अरे कहना क्या चाहते हो? बाकी गाइस देखो, इधर से आपको 7 नंबर प्लेटफॉर्म से जब आप कहीं बाहर से आते हो तो ये 7 नंबर प्लेटफॉर्म से आपको आउट होना होता है, ओवर ब्रिज से इधर चढ़ के और फिर इधर आना होता है और 7 नंबर प्लेटफॉर्म से आपको आउट होना होता है। इधर से सब लोग एक्सिट कर रहे हैं और हम भी एक्सिट हो चुके हैं। जिधर से आए थे हम उधर ही वापस पहुँच गए। हमने एक्सिट करी लेकिन मतलब टिकट विकेट चेक करने वाला कोई था ही नहीं है। ऐसे तो भाई हम बिना प्लेटफॉर्म टिकट के भी घुस के बाहर आ जाते हैं, लेकिन वो लीगल काम नहीं है इसलिए हमने नहीं किया। बाकी यार पिछली बार देखा था जब मैं आता हूँ जब तो यार चेक करते हैं टिकट विकेट, अभी किसी ने टिकट ही चेक नहीं करी, ये क्या बात हुई? तो थोड़ा ये अजीब सा लगा मुझे, करना चाहिए बाकी यार टिकट चेक करना चाहिए। ये जयपुर का जो मेन जंक्शन है ना, तो यहाँ पर भीड़ रहती है और सामने की तरफ आप जाओगे जो उधर की तरफ आपको दिख रहा है उधर मेट्रो भी है, तो आपको मेट्रो में जाना है तो मेट्रो के लिए भी जा सकते हो। तो गाइस ओवरऑल मैंने आपको दिखा दिया जितना सब कुछ दिखा सकता था। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पे एक लाइक कर देना और आप जयपुर आए हो कि नहीं आए हो तो कमेंट में ज़रूर बता देना। वैसे अधिकतर सब्सक्राइबर्स तो मेरे जयपुर से ही है, तो वो लोग तो आए ही होंगे यार, जयपुर में रहते जयपुर जंक्शन नहीं आया ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ठीक है गाइस, आपको मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि घंटी आपके पास पहुंच जाए, घंटा बजा दो घंटा। ठीक है, इसमें मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।